अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करते हैं स्वागत है से होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज है संडे और अभी हम अलबोकरी का नाश्ता करने वाले हैं और आज एक मेहमान आएंगे हमारे घर पे, स्पेशल बोले हमारे मामू आएंगे हमारे घर पे, तो उसका मैं ब्लॉग बना रही हूँ आज। पेपर तो खैर खत्म हो गया, मैं कह रही पेपर ख़त्म हो जाएंगे जो है तब ब्लॉग बनेगा, लेकिन पेपर तो अभी तक ही चल रहे हैं। तो देखिए अभी चाय वाय बनानी हो और आज संडे है इसलिए हम लोग फिर नाश्ता करेंगे। और अभी बज रहे हैं फिक्स, अभी 12 बजे निकले हैं और अभी हो रहे हैं 12:05, तो इसलिए अब हम मैं जो है नाश्ता निकाल लिया। मतलब आज के तो हम हलोपुरी का नाश्ता करते हैं, हमारे घर में ज़्यादातर लोग हलोपुरी नहीं खाते, सिर्फ मैं, मेरी मम्मा और भाई खाते हैं, तो इसलिए नाश्ता वास्ता करते हैं और फिर बताते हैं कि हमारे घर पे मेहमान आ रहे थे, उनकी क्या क्या तैयारी हो रही है। और एक और बात भी है कि मेरी सिस्टर जो है ना, वो वहाँ पे रुकने गई हुई है मेरे मामू के घर पे, तो उनको भी वो लेके आएंगे। तो फ्राइडे को चली गई थी, तो इसलिए आप मेरा भाई इब्राहिम तो कब से कब आएगी अब चली गई है, आएगी तो दर बात ही आएगी ना, तो आज वो भी आएंगी। तो मेरी बात हम आप सकते नहीं हो उनसे, क्योंकि वो आती कहाँ है, सब चुपते ही रहते हैं बस, तो आप लोग देखते रहें। ओके, तो हम नाश्ता वास्ता करते हैं कुछ, फिर आप लोग को बताते हैं दावत का क्या है। तो गाइज, अब जो है मैंने सफाई शुरू कर दी है, यहीं से ट्रॉली से शुरू की है। और मेरी अम्मा जो है अभी खाना वाना बनानी है, दावत की तैयारियाँ वैयारियाँ हो रही है। देखें ये पूरी ट्रॉली ऊपर से नीचे तक मुझे साफ़ करनी है, तो और जो कचरा वचरा निकाला है अभी, और सफाई भी करनी है, डस्टिंग वगैरह करनी है। तो मैंने बोला आपको दिखा देते हैं सफाई वफाई हो रही है। और नाक में कपड़ा मैंने इसलिए बांध लिया क्योंकि अब थोड़ी मट्टी वट्टी है, तो नाक में घुस रही थी। और अभी आपको दिखाते हैं कि क्या। ये देखिए अभी अम्मा ने तैयारियाँ शुरू कर दी है, मतलब कस्टर्ड वगैरह थोड़ा बनाना शुरू कर दिया है, और अभी तो शुरू कर दिया अम्मा ने ताकि फिर अब आगे जो है ज़्यादा काम ना हो जाए। और 1:00 निकल ही चुका है, 1:15 हो रहे हैं, और यहाँ पे अम्मा ने कस्टर्ड बना दिया है। और बाकी जो खाना वाना होगा, तैयारी व्यारी होगी, सफाई वगैरह होगी, वो हम आपको दिखाते रहेंगे। सही है, तो अभी हम फिर से काम करना शुरू करते हैं। ओके, तो गाइस अब मैं कर रही हूँ यहाँ मम्मा के अम्मा की डस्टिंग। ये देखिए काफ़ी मट्टी मट्टी हो जाती है, बाहर से सारी मट्टी जो है ना अंदर आ जाती है। और अभी आपको रेस्टिंग करते हुए जा रही हूँ, सारी सफाई वगैरह हो रही है। आप लोग बोल रहे होंगे मैं अभी कभी आपको अपनी अम्मा से भी नहीं मिलवाया, आपको तो पता है कोई आता ही नहीं है ब्लॉग में। हाँ ये है कि मम्मा मुझे कह रहे हैं कि पीछे हमेशा बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे कर लो, कर रही थी क्योंकि अभी ब्लॉग बनाते हुए इतना कोई टाइम ही नहीं हुआ था, थोड़ी सी मुझे ना सबसे गाइडेंस मिलती रहती है कि कैसे कैसे बनाओ, इसीलिए तो मम्मा भी बताते रहती हैं। तो सफाई करते हुए दो हाथों की जरूरत होती है, मैं कैमरे को रख के फिर आपको मिलती दिखाना, क्योंकि आप लोगों को जरूर है। सो गाइस ये देखें, तकरीबन मतलब पूरा घर साफ हो गया, नई बेडशीट बिछा दी, सब कुछ डस्टिंग वगैरह सब कुछ हो गया, ये डिवाइडर साफ हो गया, सब कुछ इतनी सफाई तो हो गई है, मतलब कि जो मुझे डस्टिंग वस्टिंग करनी थी। और ये वाला कमरा दिखाते हैं हम आप लोगों को। गाइस आप लोग कुछ बोलेंगे नहीं प्लीज़। ये देखें चादर वादर बिछा दी है सब कुछ। और बड़ी मुश्किल से ब्लॉगिंग कर रही हूँ मैं आप लोगों, क्योंकि सिस्टर्स बहुत मना करती हैं दिखाना नहीं दिखाना नहीं, लेकिन अब जब मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो ब्लॉगिंग तो करनी है ना इसलिए। अच्छा एक और बता दो, आप लोगों को भूल ही गई, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे पेपर भी है, और लेकिन ये है कि पेपर याद हो गया और मुश्किल है, तो थोड़ा मैं रात को ही रिवाइज़ करूँगी जितना भी करूँगी, क्योंकि अभी तो काम वाम करके अभी थोड़ी देर बैठी हूँ, फिर अभी थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, फिर आपको थोड़ा सा पढ़ लूँगी, क्योंकि अभी जो जिस मेहमान आ रहा है उस वक्त हम पढ़ ही रहे होते हैं और फोन लेके बैठे होते हैं। अभी थोड़े देर मेहमान आएंगे तो हम थोड़ा बातें करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो अभी आपको दिखाते हैं अम्मा क्या करेंगे किचन में। और फिर अभी तो मैंने सिर्फ कपड़े चेंज कर लिए हैं, अभी पूरी रेडी नहीं हो जाता था, ज़्यादा मेकअप नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत बाल बनाएंगे बस। और बस क्या गई गाइस, देखिए मैं तैयार हो गई हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं होना था, बस थोड़े से टॉप्स पहन लिए हैं और बाल बना रही हैं। मेरे बालों का तो बड़ा ही मसला हो रहा है, आपको पता है इतनी मुश्किल से तो मैंने बाल बनाया। खैर छोड़िए, अभी हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या सेटिंग वेटिंग हुई भी है। हमारा कमरा था, हमने आपको दिखा दिया था कि ऐसे आम दिनों में, मतलब आज मैंने कुछ ज़्यादा ही काम कर लिया, आम दिनों में अपनी मतलब मैं भी इतने ज़्यादा हाथ पाँव नहीं चलाती, लेकिन मेहमान आने थे आज तो हमने हाथ पाँव चला लिए, थोड़े सफाई वफाई कर ली, ऐसा नहीं है मतलब फिर भी सही लग रहा होता है घर, तो बड़ी अच्छी हवा चल रही है। आज हम लोगों ने यहाँ का दरवाज़ा भी खोल के रखा हुआ है, क्योंकि वैसे बंद कर देते हैं अक्सर, लेकिन आज खोल के रखा हुआ है। और वो देखे तो अंधेरे में पता नहीं क्या ही कर रहा है, नज़र भी नहीं आ रहा हमें। चले फिर हम आपको अंदर चल के दिखाते हैं। और गाइस यहाँ पे अम्मा ने रख दिए हैं बर्तन वगैरह, मतलब जो यहाँ पे जो लोग खाना खाएंगे वो यहाँ पे खा लेंगे, बाकी लोग अंदर खा लेंगे खाना। बॉयज़ खाएंगे, बॉयज़
और यहाँ पे खाना वाना आपको खाने के टाइम पे ही दिखाएंगे। ओके, और अम्मा चाय पी ली आप लोगों ने? मैं भी पीने जा रही हूँ, चलो चाय पीते हैं फिर आपसे मिलते हैं। बच्चे हैं सब लोग आ गए हैं, देखें मामू वगैरह सब लोग आ गए। देखिए यार सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अभी आपको दिखाते हैं फिर सब लोग खाना वाना खाएंगे, आपको दिखाएंगे। अब सब खाना खा रहे हैं गाइस, ये देखें अरे भाई जल्दी लेके जाओ कुर्सी, सब खाना खा रहे हैं और हम यहाँ पे खड़े हुए हैं व्लॉग बना रहे हैं। तो सब कब से आ गए थे, हम सारे पिक्चर्स ले रहे थे और फिर अभी हम भी खाना खाते हैं और फिर बताते हैं कि क्या क्या करते हैं। सो गाइस ये लोग चले गए हैं, अब यार आप लोग दिखाना ही भूल गए, तो मुझे याद कुछ नहीं रहता। हम लोग यहाँ नीचे से यहीं से देख रहे हैं। ओह माय गॉड द ब्यूटीफुल, यार ये लोग दिखेंगे नहीं यहाँ से, मैं दिखाना ही भूल गया जाते। तो गाइस हो गई दावत हमारी और बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मैं एंट्री लगा के जो है ना वो ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मैं भूल गई थी। आज पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं सभी कुछ भूल जा रही हूँ, मैं आगे बिल्कुल लेट ना वाली वाला ब्लॉग तो एंड ही नहीं किया, सब ब्लॉग भी एंड करना था। तो ये थी हमारी आज की दावत और बड़ा मज़ा आया, मुझे लगा मैं ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी, वो पेपर है, लेकिन मैंने ब्लॉग बना लेते हैं भैया, जब मुझे कम मौका मिल रहा है मैं ब्लॉग बना लेती हूँ। तो पेपर मेरे रह गए हैं, बस 6 पेपर रह गए हैं मेरे, और इंशाल्लाह ख़त्म होने के बाद फिर इंशाल्लाह आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाएंगे दिखाएंगे। ओके, अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।